भाजपा की सरकार ऐसे लोगों को पैदा कर रही है साथियों। जो सरकार बैठी है बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार आज जवाब दे संसद में। आज भाजपा माननीय मोदी प्रधानमंत्री बनाए कि योगी के राज में कैसे उस पीड़िता के साथ यह अन्याय हुआ। कैसे लड़की के लिए न्याय मांगने आए हैं जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। उस आवाज उठाने की उसको इतनी बुरी सजा मिल रही है जिसका कि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के अंदर जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है वहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है। साथियों, ये जो घटनाएं हर रोज हर दिन हर घंटे हर मिनट जो महिलाओं पर बच्चियों पर जो अत्याचार की घटनाएं घट रही है हमारे देश के अंदर, आज इन हमसे महिलाओं को छात्रों को युवाओं को इसके खिलाफ प्रतिवाद में खड़े होने की जरूरत है। साथियों, आज हम लोग जो इस देश के अंदर इस भाजपा सरकार के तहत जो भाजपा सरकार इस देश के केंद्र में सत्तासीन है, आज हम उस देश की सत्ता का असली चेहरा देख रहे हैं। साथियों, आज यहाँ पर विरोध की आवाज अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का क्या हश्र हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। क्योंकि साथियों, आज ये फासीवाद का जो चेहरा इस सरकार ने दिखाया है, अपना जो भद्दा चेहरा आज भाजपा सरकार दिखा रही है, अपने फासीवादी एजेंडे को यहाँ पर लागू कर रही है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है साथियों। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब जब फासीवाद अपने जड़े जमाता है, जब जब फासीवाद अपने खूनी पंजे फैलाता है, तब तब उस देश के अंदर इंसान पैदा होना बंद हो जाते हैं, वो हैवान पैदा करता है। जहाँ जहाँ पर भी फासीवाद का उदय हुआ है वहाँ इंसान नहीं पैदा हुए वहाँ हैवान पैदा हुए हैं। और आज हमारे देश के अंदर भी हैवानों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ऐसे सिंगर जैसे हैवान जो इस देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं, आज हमें शर्म आ रही है उनके ऊपर जो ऐसे ऐसे ही सरकार है जो भाजपा की सरकार ऐसे लोगों को पैदा कर रही है। साथियों, लेकिन आज जो हम तमाम सही सोच रखने वाले न्याय संगत विचार रखने वाले तर्क संगत सोच रखने वाले आम आवाम से छात्रों नौजवानों से हम अनुरोध करते हैं कि ये जो अमानवीयता फैलाने का काम, ये जो अमानुषों को पैदा करने का काम इस भाजपा सरकार ने शुरू किया है इसको खत्म करने का भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है साथियों। और इस देश के अंदर जैसा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला है कि हमें अपने देश के अंदर सात परतों को खत्म करके नए इंसान पैदा करने होंगे, आज नए इंसानों की जरूरत है साथियों, और वो इंसान पैदा होंगे हमारे आंदोलन से। ये जो आंदोलन आज हम छात्र महिला नौजवान मिलकर कर रहे हैं ये उन्नत नीति नैतिकता से आधारित आंदोलन है और इसी से ही इंसान पैदा होंगे, और जब इंसान पैदा होंगे तब हम फासीवाद को असली करारा जवाब दे पाएंगे। साथियों, आज हम यहाँ पर उस जो पीड़िता है उसको न्याय दिलवाने के लिए आए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि बीजेपी का जो विधायक है सिंगर उसको बीजेपी से निकाला जाना चाहिए और साथियों पीड़िता को तुरंत न्याय मिलेगा और जो बलात्कारी है उसको उदाहरण मूलक सजा दी जाए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार बैठी है बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार आज जवाब दे संसद में। आज भाजपा माननीय मोदी प्रधानमंत्री बनाए कि योगी के राज में कैसे उस पीड़िता के साथ यह अन्याय हुआ, कैसे साजिश रची गई, ये सारा का सारा बखेरा जो इन्होंने ये कुलदीप सेंगर और भाजपा और इन्होंने बिखेरा इसका जवाब देना चाहिए, संसद में देना चाहिए। ये बहुत बड़ा दावा करते हैं कि देश ने हमको वोट देकर यहाँ पर बिठाया है। आधी आबादी महिला, आधी
इलाहाबादी महिला ये न्याय की मांग करती है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज उस पीड़िता के साथ में जो हुआ है, उसके पिता की हत्या की गई, उसके साथ चलने वालों की हत्या हुई, और वो लड़की खुद जिंदगी के उस मोड़ पर है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसका हम आज दावा भी नहीं कर सकते हैं। अगर योगी जी ये कहते हैं कि उस पीड़िता के लिए हमने पुलिस को सुरक्षा में लगाया है और अब जांच हम सीबीआई को देंगे, तो अगर उनकी निकम्मी पुलिस थी, उनकी नाकाम पुलिस थी, तो उनको उस लड़की की सुरक्षा के लिए सीबीआई अधिकारी लगाने चाहिए थे, ना कि वही किसे पिटे लोग जो भाजपा सेंगर जैसे बलात्कारियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए था। तो क्योंकि चूंकि शब्द कम है, आज वो पीड़िता अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर है कि उसके साथ क्या होगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम माननीय मोदी जी से ये मांग करते हैं कि वो योगी को कहे कि वो नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। ये हम मांग करते हैं। मुर्दाबाद।